साल 2001 में अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें वो पत्रकार से एक मुख्यमंत्री बनते हैं। इस फिल्म में एक सीन और है जहां पर अनिल कपूर को दूध से नहलाया जाता है। ये तो हो गई फिल्म की बातें, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? यदि आपको पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है, और वो हुआ है उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के खानपुर विधानसभा में। यहाँ पर भी एक पत्रकार से जो विधायक हैं वो बने हैं उमेश कुमार, और यहाँ पर भी यही हुआ है कि उमेश कुमार को वहाँ पर दूध से नहलाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, एक तरफ नाइक फिल्म का वो दृश्य है और एक तरफ जो रियल में जो दृश्य है वो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक विधायक को दूध से नहलाया है। ये क्यों हुआ वो आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूँ आपके साथ शोभन सत्य सिंह। देखिए, दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण हरिद्वार जनपद का एक जो क्षेत्र है, जो मिलाप नगर और जो सिविल लाइन जो क्षेत्र है हरिद्वार का, वहाँ पर भारी बारिश के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। लोग त्राही माम कर रहे हैं क्योंकि घर लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके बाद जो विधायक है उमेश कुमार वो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और खुद भी जमीन पर उतर कर लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। जिसके बाद जब वो इन दिनों वहाँ पर जब पानी हटाने का काम कर रहे थे, उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने उमेश कुमार को दूध से नहलाया। वहीं एक जो दूसरा पहलू है हरिद्वार का, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो जब क्षेत्र में गए, वैसे तो वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं ऐसा आरोप लोगों का है, लेकिन जब वो अब जो जल भराव की समस्या थी वहाँ पर जब अब गए तो उनको लोगों का भारी आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने उनको आड़े हाथ लिया और जमकर विरोध किया। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। हरिद्वार का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ जरूर आई है, लेकिन बाढ़ अपने साथ राजनीति भी ले आई है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, वो हरिद्वार से सांसद भी रह चुके हैं, वो यहाँ पर जल तप करने लगे थे। उन्होंने कुर्सी लगाकर जो सड़क में पानी भरा था वहाँ पर वो जल तप कर रहे थे, जिसके बाद उमेश कुमार का जो गुस्सा था वो भी आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने देखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टूडियो के साथ, वीडियो को जरूर शेयर करें और फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।